हेलो नमस्कार, मैं स्मिता मिश्रा। आज आपको यूजीसी नेट व पीएचडी के लिए हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में बताएंगे। हिंदी भाषा और उसका विकास, अपभ्रंश, अपहट्ट सहित और पुरानी हिंदी का संबंध काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास, काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का उदय और उसका विकास, साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास, मानक हिंदी का भाषा वैज्ञानिक विवरण, हिंदी की बोलियां, वर्गीकरण तथा क्षेत्र, नागरी लिपि का विकास और उसका मानकीकरण, हिंदी प्रसार के आंदोलन, प्रमुख व्यक्तियों तथा संस्थानों का योगदान, राजभाषा के रूप में हिंदी, हिंदी भाषा का प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, संचार माध्यम और हिंदी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, हिंदी के प्रमुख साहित्यिक केंद्र, संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल हिंदी साहित्य का आरंभ कब और कैसे, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली, आरंभिक ग्रंथ गद्य तथा लौकिक साहित्य, मध्यकाल भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, प्रमुख निर्गुण एवं सगुण संप्रदाय, वैष्णव भक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवा संत प्रमुख संप्रदाय और आचार, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, हिंदी संत काव्य का वैचारिक आधार, प्रमुख निर्गुण संत कबीर, कबीर नानक, दादू, रैदास, संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय धर्म साधना में संत कवियों का स्थान, हिंदी सूफी काव्य के वैचारिक आधार, हिंदी के प्रमुख सूफी काव्य कवि और काव्य, मुल्ला दाऊद चंदायन, कुतुअन मृगावती, मंजन मधवालती, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत सूफी प्रेम आख्यानों का स्वरूप, हिंदी सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, हिंदी कृष्ण का विविध संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय, आश्या प्रमुख कृष्ण भक्त कवि और काव्य, सूरदास, सूरसागर, नंददास, रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत परंपरा और हिंदी कृष्ण काव्य, मीरा और रसखान, हिंदी राम काव्य विविध संप्रदाय, राम भक्ति शाखा के कवि और काव्य, तुलसीदास की प्रमुख कृतियां, काव्यशास्त्र और आलोचना, भरतमुनि का रसूत और उसके प्रमुख व्याख्याकार, रस अवयव साधारणीकरण, शब्द शक्तियाँ और ध्वनि का स्वरूप, अलंकार, यमक, श्लेष, ये भी सारा पढ़ना है, लेकिन इस पर ज़्यादा काम नहीं करना है हमें, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और फ्रेंड, मैं एक बात कहना चाहूँगी, आपसे क्षमा मांगना चाहूँगी कि मेरे पास अभी असुविधा है, लेकिन मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, आपको ऐसा मटेरियल देना चाहती हूँ जो आपको लाभ पहुँचाए, तो इसलिए अगर आपको कोई असुविधा हो रही है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। नेक्स्ट आपको आगे आने वाले समय में अच्छा अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करूँगी, अभी आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए, तो हम आपको बता रहे हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अलंकार जो है अलंकार भी पढ़ लेंगे हम लोग, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रातिमान और अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, समाशोक्ति, अत्युक्ति, विशेषोक्ति, दृष्टांत, उदाहरण, प्रतिवस्तु, उपमा, निदर्शना, अर्थांतर, न्यास, विभावना, असंगत तथा विरोधाभास, तो इसके बारे में हम आपको इसकी जो उदाहरण है वो बता देंगे आपको, लेकिन हम आपको प्रश्नोत्तर में ही देंगे मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैंने खुद बना के रखा है और पढ़ाई की है उसी से। उसके बाद में जो श्रीत गुण दोष हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे मिथक, फंतासी और कल्पना, प्रतीक और बिंब की, उसके बाद में हम बात करेंगे स्वच्छंदतावाद और यथार्थवाद की, संरचना और संरचनावाद की, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, समकालीन आलोचना की, कतिपय अवधारणाएं, विडम्बना, अजनबीपन, विसंगति, अंतर्विरोध, विखंडन। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पूरा पाठ्यक्रम और यहीं से आते हैं सारे क्वेश्चन, तो हम आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन बना के देंगे और अच्छा मेटेरियल देंगे जो प्रश्न आते ही हैं। तो फ्रेंड, आगे आप हमारा वीडियो देखिए और लाइक करिए, बताइए हमें कि कैसा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा प्रयास कैसा है और इसमें क्या सुधार करना चाहिए, आप मुझे सुधार के बारे में बताइएगा तो मैं आगे प्रयास करूँगी और अच्छा बोलने का और पढ़ाने का भी। धन्यवाद फ्रेंड्स।